जो काम भारतीय जनता पार्टी वीआईपी के साथ किया वही काम जदयू के साथ कर रही थी। तो नीतीश कुमार जी का मजिस्ट्रेट चेकिंग में उधर लिए, उधर के उठा के पटक दिए, रोड पर बवा रहा है सब। आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में। आदरणीय नीतीश कुमार जी को देश पुकार रहा है और ऐसा नेतृत्व की ज़रूरत है कि जो महंगाई बेरोजगारी सबको दूर कर सके। भारतीय जनता पार्टी का अभी लोग जाके रोड पे बैठ गया, देखे नहीं रोड पे आ गया, लोग सब रोडे पे ना आ गया, रोडे पे ना आ गया भाई। यही ना कल राजा बन के घूम रहे थे, सायरन बज रहा था एकदम, दो दो डिप्टी CM, फलाना मंत्री, ये मंत्री, वो एकदम पूरा हाई फाई जो है, सब बेरोजगार हो गए। हम तो जिनके साथ जाएंगे तो वहाँ तो भाड़ी ना पड़ेंगे जी, हम तो जिनके साथ चले जाएंगे वहाँ भाड़ी पड़ेंगे हम जिनके साथ। लेकिन हम लोग की मनोकामना है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और बिहार से नेतृत्व करें और बिहार का नाम जो है और ऊंचा हो। बिहार में सरकार बदल गई है और नए सिरे से सब कुछ गढ़ा जा रहा है। अब इसी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां 7 दल मिलकर गठबंधन में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अकेले है। अब ऐसे में सहनी क्या करेंगे? सबकी नज़र इसी पर है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी किस पल्ले में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी से अभी अभी मुंह जला है और विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने पीठ में छुरा घोंपा था। नीतीश के साथ कैसे नैया पार लगेगी? बात करने के लिए हमारे साथ मुकेश सहनी जी के प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। सवाल यह है कि अब आप किस तरफ जाएंगे? एक तरफ से मुंह जला है, दूसरे तरफ से पीठ में छुरा घोंपा गया है। जाएंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में। आदरणीय नीतीश कुमार जी को देश पुकार रहा है और ऐसा नेतृत्व की ज़रूरत है कि जो महंगाई बेरोजगारी सबको दूर कर सके। वो सारी खूबी जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी में है। भारतीय जनता पार्टी का अभी लोग जाके रोड पे बैठ गया, देखे नहीं रोड पे आ गया, लोग सब रोडे पे ना आ गया, रोडे पे ना आ गया भाई। यही ना कल राजा बन के घूम रहे थे, सायरन बज रहा था एकदम, दो दो डिप्टी CM, फलाना मंत्री, ये मंत्री, वो एकदम पूरा हाई फाई जो है, सब बेरोजगार हो गए। जो बेरोजगार देने वाला वादा किया वो बेरोजगार हो गए, आज बेरोजगार होकर रोड पे घूम रहे हैं, बवा रहे हैं। क्या जीवन में उन लोग कभी भी विधायक का चुनाव जीत पाएंगे क्या? कभी लोकसभा जीत पाएंगे क्या? आज लोकसभा चुनाव हो जाए एक महीना के अंदर में 4000 सीट जो है महागठबंधन जीतेगी, 4000 का 40 जीतेगी, एक खाता नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी का। आप लोगों का समर्थन रहेगा महागठबंधन को या फिर नीतीश को? देखिए, ये निर्णय तो हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी करेंगे, लेकिन हमारे नेता का अभी जो गाइडलाइन है, जो हमारा निर्देश है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ पीछे लाठी लेके खड़ा हैं, जहां वो जाएंगे हम लोग पीछे लाठी लेके रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने निकलते हैं अगर उस सफर पर, तो सहनी समाज जो है वो समर्थन करेगा 100%। हमारा पार्टी, हमारा कैडर, हमारा एक एक लोग जो VIP और हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी पे आस्था रखता है, वो सारे लोग आज के दिन में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे? क्योंकि उन्होंने अनुशंसा किया था निषाद आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र को। अच्छा, तो जो आरक्षण दिलाएगा आप उसके साथ है, ऐसा तो आपका पहले से ही सुप्रीमो कहते आ रहे हैं। 100% है, हम लोग तो राजनीति कर रहे थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 2019 में हमारे नेता चुनाव भी लड़े, हमारी पार्टी चुनाव भी लड़ी महागठबंधन से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है जो कहती है वो करती नहीं है। उन्होंने कहा कि हम निषाद आरक्षण लागू कर देंगे, आप मेरे साथ आ जाइए, तो भैया आपको अगर कोई कहेगा कि आइए आइए आइए, आप बढ़िया आपको चैनल दिखेगा, बढ़िया पैकेज दिखेगा, तो आप तो आकर्षित होइएगा। हम तो कोई मोह माया लालच में गए नहीं, हम तो सिर्फ निषाद आरक्षण की लालच में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक उसको बंद करके अपना तिजोरी में रखे हुए है। क्या खोलेगी, कब खोलेगी, किसी को नहीं पता है, लेकिन 2024 में आदरणीय नीतीश कुमार जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो खुद आरक्षण लागू कर देंगे। लगता है कि और भी जो अन्य जो विपक्षी दल हैं वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर नीतीश को स्वीकार करेंगे।
और दूसरा चेहरा है कौन? दूसरा चेहरा इस देश में है कौन? नीतीश कुमार जी से यही जैसा चेहरा जो है, अगर पूरे देश में जातीय जनगणना में जो बोल रहे हैं, पूरा देश देखता है उनको, कुछ तो खूबी है उस आदमी में जो आज पिछले 16 साल से बिहार की मुख्यमंत्री के गद्दी में वो अच्छे से संभाल के चला रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार में मुख्यमंत्री का पद फिर कौन संभालेगा? और अगर मुख्यमंत्री का पद का हम तो अभी देखे कि आज वोट होने के बाद उन्होंने कह दिया कि मैं 2014 जनवरी 2024 तक ही रहूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में है, क्लियर है, फिर उसके बाद क्लियर है, डंका बजेगा लोकसभा में जो है, डंका बजेगा। अगर वो प्रधानमंत्री के लिए सफर पर निकलेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप किसको समर्थन करेंगे, किसको देखना चाहते हैं? तो इसको तो हमारे नेता जो हैं वो तय करेंगे, उस समय पे तय होगा। लेकिन आज के दिन में हमारी पार्टी जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ कंधे में कंधे एकदम साथ में लाठी लेके हम लोग चलने का काम करेगी हमारा कैडर। देखिए मौजूदा हालात के अनुसार बहुत कुछ राजनीतिक बदलाव हो गए हैं बिहार में, और आपकी जो पार्टी का भविष्य है भले ही आगे चलकर सुनहरा हो जाए, फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आता है। ऐसे में सवाल नंबर 1 अपने पार्टी के भविष्य, और सवाल नंबर 2 भविष्य के साथ साथ अपने समाज की बेहतरी के लिए, आपके समाज के लोगों की बेहतरी के लिए, क्या पुराने रंजिश को तेजस्वी के साथ जो है उसे भुलाया जा सकता है और साथ आने को तैयार हैं? हमारे नेता तो कह चुके हैं कि लालू यादव, आदरणीय लालू यादव जी के विचार में हम चलते हैं। लालू यादव ना, अब तो तेजस्वी का विचार सामने आ रहा है। क्या लालू यादव जी का ही ना खून है, वो थोड़ी ना कोई अलग है, लालू यादव जी का ही ना खून है तेजस्वी यादव जी। हाँ। कि अलग खून थोड़ी ना है। तो लालू यादव का विचार जो है जेपी का सपना वो पूरा कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जेपी का सपना पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों का जेपी आंदोलन का जरूर नाम सुने होंगे, 1000 साल के बाद भी लोग जेपी को याद करेगा, जिस तरह माता भगवती को और माता वैष्णो देवी को याद करेगा, हर हर महादेव भोले बाबा को याद करेगा, उस तरह से जेपी भी है, वो तो अमर हो गए। क्या आप भुलाने को तैयार हैं आपसी रंजिश? रंजिश का बात कहाँ है, यहाँ तो सीधा हमारे पार्टी को जो है जो काम भारतीय जनता पार्टी वीआईपी के साथ किया वही काम जदयू के साथ कर रही थी। तो नीतीश कुमार जी का मजिस्ट्रेट चेकिंग में उधर लिए, वो उधर के उठा के पटक दिए, रोड पे बवा रहा है सब, यही ना बात है कि जो काम वीआईपी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को लेके चले गए, तो वही काम जो है जनता दल यूनाइटेड के साथ वो कर रही थी। तो इस मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा गए तो नीतीश कुमार जी उसको उलट के पटक दिए। फिलहाल वीआईपी अभी कोई जल्दबाजी में नहीं है। देखिए जल्दबाजी राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, राजनीति जो होता है। आज के दिन में हम फिर से बोल रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है उस चेहरे को हम लोग बहुत आगे ले जाएंगे, और हम लोग की पार्टी की हमारी मनोकामना है कि नीतीश कुमार जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, महागठबंधन के तरफ से यह बयान भी आने लग गए हैं कि सहनी हमारे ही साथ है, सहनी हमारे ही थे, वो तो भटक गए थे तो उधर चले गए थे, तो क्या आगे भी महागठबंधन में आप बने रहेंगे, अगर बुलावा आता है तो चले जाएंगे? फिलहाल तो अभी तो आज के दिन में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ बने हुए हैं हम लोग। लोग कहेगा कि भाई आपके पार्टी तोड़ दिया गया, हम लोग से ज़्यादा तो बुरा बीज भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी का किया नहीं, बहुत गंदा काम किया बीजेपी ने। 75 साल आज़ादी का 75 साल हो गया, देश ने इतनी बड़ी बेरोजगारी और इतनी बड़ी महंगाई और बेरोजगारी नहीं देखा। 75 साल आज़ादी का सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी, पिछले महीने 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, कहाँ कोई नेता कह रहा है, कहाँ कर रहा है, जाके देखिए सब घूम रहा है, सब पकौड़ा का दुकान खोलने का, सब पकौड़ा का दुकान खोलेगा कुछ दिन में, देखिएगा भारतीय बीजेपी वाले लोग जो हैं, तो कोई डाबंगला में खोलेगा, कोई बोरिंग रोड में खोलेगा, कोई मीठापुर में खोलेगा, ठेला लगा के पकौड़ा बेचेगा, सब बेरोजगार हो गया। मतलब बीजेपी के खिलाफ जो करना होगा आप करने को तैयार? प्रतिशत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी के साथ बहुत गंदा काम किया, हमारे पार्टी को तोड़ दिया, अति पिछड़ों की पार्टी को तोड़ दिया, गरीबों की पार्टी को तोड़ दिया, इससे खराब चीज़ हो नहीं सकता है किसी के पार्टी को तोड़ना। जो मैंडेट आया है उस मैंडेट की सम्मान होनी चाहिए,
चाहे इसके लिए महागठबंधन के साथ जाना पड़े, महागठबंधन के साथ जाना पड़े, हम तो जिनके साथ जाएंगे तो वहाँ तो भारी ना पड़ेंगे जी, हम तो जिनके साथ चले जाएंगे वहाँ भारी पड़ेंगे, हम जिनके साथ, लेकिन हम लोग की मनोकामना है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और बिहार से नेतृत्व करें और बिहार का नाम जो है और ऊंचा हो, विशेष राज्य की दर्जा, जितना पेंडिंग जो हम लोग भीख मांग रहे हैं, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस दिन बनेंगे 24 घंटे के अंदर सब इम्प्लीमेंट कर देंगे इतना भरोसा है नीतीश, क्या बात कर रहे हैं। चलिए अब वीआईपी के भरोसे पर कितना नीतीश कुमार खरे उतरते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पुरानी रंजिशों को भुला पाने में अभी वीआईपी को कुछ ना कुछ खटक रहा है, कहीं अभी सुप्रीमो ने कुछ फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो भी फैसला लेंगे, जब भी हमारी मुलाकात होगी हम बात करेंगे और फिर आप तक पहुंचाएंगे। कई ऐसे दर्शक हैं जो हमसे लगातार या कमेंट कर रहे थे या फिर हमें कॉल या मैसेजेस के जरिए बता रहे थे कि एक बार आप सहनी जी से मिलिए और अब आगे की रणनीति के लिए ज़रा पूछ लीजिए कि आगे क्या होगा, हमें क्या करना है। जब मुलाकात होगी, बात होगी, हम यह भी बातें आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे और आपको आश्वस्त कर देंगे। फिलहाल आज आवास पर जाने के बाद वहां सन्नाटा पसरा था और वो भी चीज़ें हमने आपको दिखाया बताया। अभी फिलहाल उनकी तबीयत सेहत जो है वो ख़राब चल रही है, नशा चल रही है, जैसे ही ठीक हो जाएंगे वो तुरंत हमें बुलाएंगे और बुलाएंगे तो सारे मसलों पर समाधान जरूर निकाल पाएंगे। फिलहाल जो कुछ भी है इतना ही है, प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के अब बहुत मारामारी है, देखना है आगे कौन कब तक किसका साथ दे पाता है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है, जैसा कि बिहार में अभी राजनीति पलटी, ये भी एक संभावनाओं का ही खेल है। नमस्कार।